नमस्ते, मैं भारती। मेरे भारतीय किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों के मौसम में बहुत ही हेल्दी आमला रसम। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। आज हम आमला रसम बनाएंगे। आमला रसम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसके कई फायदे भी हैं, और आमला हमारे शरीर को डिटॉक्स भी करता है। तो एक हफ्ते में एक बार आमला रसम बनाना तो बनता है। तो आइए हम देखते हैं आमला रसम बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आमला रसम बनाने के लिए 1 कप जितनी मैंने तुवेर दाल ली थी उसको मैंने अच्छे से बॉयल करके फेंट लिया है। 1/2 कप यहाँ पे मैंने इमली भिगो कर ले ली है। 1 बारीक कटा हुआ टमाटर ले लिया है। फ्रेश यहाँ पे मैंने 5 आमला ले लिए है, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। 10 से 12 यहाँ पे मैंने करी पत्ते ले लिए है। 15 से 16 लहसुन की कलियां ले ली है। 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। 3 मिर्च को मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा ले लिया है। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। तो आइए आमला रसम बनाना शुरू करते हैं। एकदम परफेक्ट आमला रसम बनाने के लिए जो हमने फ्रेश आमला लिए हैं, फोक की सहायता से उसमें होल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे आमला में अच्छे से होल कर लिए हैं। अब हम रसम का मसाला बना लेते हैं। अब रसम बनाने के लिए सबसे पहले हम रसम का पाउडर बना लेंगे। सबसे पहले हम हमाम में लहसुन डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और भुना हुआ जीरा भी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने तीनों अच्छे से मसाले डाल दिए हैं। अब इसको हम कूट लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रसम का पाउडर मैंने अच्छे से कूट लिया है। तो चलिए रसम बना लेते हैं। अब आमला रसम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। अब इसमें 3 चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे। सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो हमने रसम का मसाला बनाया था वो ऑयल में डाल देंगे। सबसे पहले रसम के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को मिक्स करने के बाद इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब इसमें आमला भी डाल देंगे, थोड़े से करी पत्ते भी डाल देंगे। सब कुछ यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे। हमारे टमाटर यहाँ पे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें इमली का पल्प डाल देंगे। अब सारी इमली को निचोड़ के इसका पल्प निकाल लेंगे। अब इमली के पल्प को कढ़ाई में डाल देंगे। पानी डाल के बाकी का भी इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है, अब ये भी डाल देंगे। अब सारा इमली का पल्प डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इमली का पल्प डालने के बाद हमारे रसम के मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। जो हमने तुवेर दाल को बॉयल करके रखा था वो डाल देंगे। अब सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। रसम को यहाँ पे मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें 2 गिलास जितना पानी डाल देंगे। अब दूसरा गिलास भी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब रसम में हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब रसम में 1/2 चम्मच जितनी हल्दी भी डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। अब फिर से रसम को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब रसम को 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, आइए रसम को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा रसम बनकर तैयार हुआ है। अगर आप लाइट रसम पीना चाहते हैं तो इसमें 2 गिलास पानी और डाल सकते हैं। अब रसम को मिला लेंगे और इसको तड़का लगा लेंगे। अब रसम को तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके तड़का पैन रख दिया है। अब तड़का पैन में हम 2 चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच जितनी राई डाल देंगे।
तो राई भी हमारी अच्छे से चटक चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे, जो हमने हरी मिर्च को लंबी टुकड़ों में काट के रखा था वो भी डाल देंगे। तड़का यहाँ पे हमारा बनकर तैयार है, तो चलिए रसम को तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म रसम बनकर तैयार है, अब इसके ऊपर तड़का लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म बहुत ही हेल्दी आंवला रसम बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो भारत भारती इस किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।